1970 हटा तो कश्मीर के लोगों को परेशानियां हुई, लेकिन आज कश्मीर के लोग खुश हैं। कारण है कि राजनीति के बजाय अब कश्मीर में विकास हो रहा है। और आलम ये देखिए कि कुछ देश कश्मीर की उन्नति देख जल रहे हैं और कुछ देश के ही लोग हैं जिन्हें राजनीति के आगे कश्मीर के विकास से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं महबूबा मुफ्ती की, जो इन दिनों अपने बयानों के चलते चर्चे में हैं। दरअसल पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बेंगलुरु पहुंची थी। यहां मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वो तब तक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी जब तक 370 फिर से बहाल नहीं हो जाता। साथ ही उन्होंने G20 सम्मेलन पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। अब उनके इस बयान पर बीजेपी की मीनाक्षी लेखी ने उन्हें लताड़ा, तो वहीं अब कुमार विश्वास ने मुफ्ती पर जोरदार कटाक्ष किया। कुमार विश्वास ने लिखा, आपके इस निर्णय का हम हृदय से स्वागत करते हैं बुआ, आप बस अंतिम सांस तक अपने इस निर्णय पर टिकी रहना, अपने बच्चों से भी कहकर जाना कि आपके इसी निर्णय को आगे लेकर जाएं। कश्मीर की खुशहाली के लिए आपका और आपके जैसे दोनों परिवार का अब जीवन भर भूतपूर्व बने रहने वाला या अभूतपूर्व बलिदान कश्मीरवासी सदैव याद रखेंगे। इतनी बेइज्जती के बाद जम्मू और कश्मीर का श्रीनगर में तीसरा G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेजबानी के लिए तैयार है। ये तो रही महबूबा मुफ्ती की बेइज्जती। अब आगे आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर का श्रीनगर में तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेजबानी के लिए तैयार है। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि 2019 में जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद यह पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। वहीं समिट के लिए श्रीनगर पहुंचे अन्य विदेशी डेलीगेट्स का एयरपोर्ट पर पारंपरिक वेशभूषा में कश्मीरी युवतियों ने इनका स्वागत किया। कार्यक्रम में साउथ इंडिया के सुपरस्टार राम चरण ने अपनी मौजूदगी से महबूबा मुफ्ती को करारा जवाब दे दिया है। कश्मीर को खुली जेल बताने वाली महबूबा को राम चरण ने गजब का जवाब दे दिया। साथ ही राम चरण ने डेलीगेट्स के साथ डांस करते भी नजर आए। राम चरण ने क्या कहा बताते हैं। कश्मीर में कुछ जादू है, मैं 1986 से यहाँ कई बार आ चुका हूँ। मेरे पिता फिल्मों की शूटिंग के लिए गुलमर्ग और सोनमर्ग आया करते थे। मैं खुद एक शूटिंग के लिए 2016 में यहाँ आया था। इसके बाद उन्होंने डेलीगेट्स के साथ अपनी फिल्म RRR की मशहूर गाने नाटू नाटू पर डांस किया। कश्मीर को जेल बताने वाली महबूबा किस दुनिया में है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और दुनिया का स्वर्ग है, ये सबको पता है। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।